सब तुम गाइस क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे? दुआएं मेरी आपके साथ सबके साथ। तो आपको मैं आज अपने पेट्स दिखाने लगा हूँ, जो काफ़ी टाइम हो गया आपको पेट्स नहीं दिखाए हमने। तो हमारे पेट्स आपको दिखाएंगे। तो मैंने मुर्गी रखी थी अंडों पर, तो उसमें बच्चे निकल आए हैं, 14 बच्चे निकले हैं। तो बाकी 4 अंडे ख़राब हो गए थे, उसमें से 1 अंडे में से बच्चा निकला था मगर वो भी ज़ाया हो गया। बाकी 3 अंडे बचे, 3 अंडे वो भी पता नहीं ज़ाया हुए हैं क्या, समझ नहीं आ रही। मुर्गी उस पर बैठ नहीं रही, बच्चों के साथ फिर रही है। तो उन अंडों पर मैंने घास रखे, मैं आपको दिखा देता हूँ घास कौन सा रखा है। घास रख के ऊपर से बंद कर दिए मैंने। तो आए चलें मैं आपको दिखाता हूँ घास ये वाला रखा मैंने, ये रख घास ये रखा हुआ मैंने। तो ये 3 अंडे रखे मैंने जिस पर रखे, ये सेक तो ठंडे हैं वैसे अंडे, मैं समझो शायद गर्म पहले गर्म था कल, क्योंकि कल धूप बहुत थी, आज धूप है मगर अभी इतनी नहीं है, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं हुआ धूप का, अभी टाइम ही बहुत कम है। ये कबूतर है मेरे, कबूतरी है मेरे पास, आपको तो पता ही होगा, आपको मैंने पहले भी दिखाया। इस कबूतरी के ना गर्दन को मसला है, कुछ गर्दन में इसको लकवा हुआ है। तो मेरे पास दो चीज़ें ना, उन लोगों ने गाइस उसकी गर्दन तोड़ दी, असल में मसला ये इनकी गर्दन तोड़ दी उन्होंने। फिर उसके बाद अल्लाह की तरफ से गर्दन सही होती गई, अब गर्दन सही हो चुकी है, मगर इसका मसला ये है कि इसको हुआ लकवा। अभी आप बताएं, किसी को पता है लकवे का कोई इलाज तो बताएं, मैं फिर इसको कुछ करता हूँ, करवाता हूँ जो आप इलाज बताएंगे। बाकी इसका बाजरा ये ज़मीन पर लगा फेंका हुआ है, ये पानी इसके, बाकी इसको इस पिंजरे में बंद किया है, इसको धूप लगाने के लिए बंद किया हुआ है, धूप लगे सही तरीके से। तो आप दुआ करें ये सही हो जाए। तो मैं आपको दिखाऊंगा अपने चूज़े दिखाऊंगा जो बाकी अंडों में से निकले हैं। 18 अंडे रखे थे, उसमें से 14 अंडे मेरे सही निकले हैं, अंडों में से सही बच्चे निकले हैं, बाकी ख़राब हो गया आपके सामने। तो ये आप देख रहे होंगे ये पिंजरा मैंने लिया है, 3,000 का पिंजरा लिया है। वैसे आपके अंदाज़न ये पिंजरा कितने का होगा, ये देखते हैं। ये आप सोच रहे होंगे पीछे भैया आपने कपड़ा क्यों लगाया, कपड़े मैंने इस पर से लगाया हुआ है क्योंकि ये पीछे से ना निकल आते हैं, पीछे ना वो पीछे आप देख रहे हैं, वो पीछे सुराख हुए हैं ना, नीचे से थोड़ी जगह खाली है, वहाँ से ये निकल आते हैं, इसलिए कपड़ा लगाया ये जाएंगे नहीं। तो ये हैं चूज़े मेरे माशरे से, आप देख रहे हैं असील चूज़े हैं। इसमें से कुछ देसी हैं, ये नहीं कि सारी असील हैं, इसमें से कुछ देसी हैं और कुछ असील हैं। 13 होंगे बच्चे असील के, बाकी देसी हैं माशरे से, आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत बच्चे हैं। ये देखिए अपनी मम्मा के ऊपर चढ़ गए, देखें कितना खूबसूरत बच्चे हैं भाई, कैसे लगे हैं आप, माशाल्लाह ज़रूर बोल दिए भाई, माशाल्लाह बोल दें, इसी के भी पेट्स देख के माशाल्लाह बोला करें, माशाल्लाह से पेट मेरे बहुत प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, जब बड़े होंगे तब देखने वाले होंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये इनका खाना पानी, ये इनका खाना, ये इनका पानी। तो ये देख ये देखो कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत आपको दिखाए मैंने परिंदे, इसको बंद करते हैं। तो आइए चले मैं आपको कबूतर दिखा देता हूँ, कबूतर भी मेरे माशाल्लाह से अंडों पे बैठे हुए हैं। तो जो अंडों पे बैठे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए चले। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लगा हुआ है सोलर, ठीक है, उसके नीचे इनकी जगह मैंने बनाई हुई है, ये देखें माशाल्लाह से। ये इसका पेड़ अभी तक किसी के साथ नहीं लगा, लगता है मगर हर कोई लगा के चला जाता है, मगर इसने अभी तक अंडे नहीं दिए। तो ये कबूतरी है जिसके नीचे अभी 2 अंडे पड़े हुए हैं, ठीक है, पहले इसके बहुत निकले थे मगर सारे ज़ाया हो गए, क्योंकि वो जो 2 चूज़े रखे हैं उन्होंने सारे खा पी गए, ठीक है। एक ये है, इसको मैंने पकड़ा था मगर ये बीमार हो चुका था, मगर अभी थोड़ा बहुत सही है, चल रहा है फिर रहे। बाकी एक ये कबूतरी जो ये 2 अंडों पर बैठी हुई है माशाल्लाह से, एक ये कबूतरी है, इसके पहले बच्चे निकले थे मगर बड़े हुए थे मर गए, असल में सर्दी थी उस टाइम। तो ये इसका कबूतर है, इस कबूतरी का।
ये जो ब्राउन है और ये जो है, इनका मैं आपको दिखाता हूँ। जो कबूतर है इनके साथ में ये है, वो जो फर्स्ट लाइन में थी वो इसका जोड़ है, जो ब्राउन है वो आपको समझ आती होगी वो किसका जोड़ है, ब्राउन का जोड़ा है। और ये है मुर्गा, जो मुर्गियों का, मुर्गी का मियाँ जी है, इसका मैंने नाम रखा हुआ है इंस्पेक्टर, नाम है इसका इंस्पेक्टर। ये देखें, ये इंस्पेक्टर कोई वो नहीं है, ये देखें, ये आप समझोगे ये वैसी मिक्सर है, मिक्सर नहीं है, ये देखें। ओहो इंस्पेक्टर किधर जा रहे हो, इंस्पेक्टर रुक जाओ। ओहो हो, इंस्पेक्टर को बहुत जल्दी पड़ी हुई है जाने की, क्योंकि उसको मुर्गी नज़र आ रही है वहाँ से। इंस्पेक्टर सुधर जाओ, ये काम अच्छे नहीं है। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देखा है, ये अच्छी चीज़ रखा करो तो मज़ा भी आता है अच्छी चीज़ का। फिर तो बाकी ये है मेरे पास मुर्गी, ये आप देख रहे हैं, ये देसी मुर्गी है, ये भी देसी है, वो भी देसी है, वो भी देसी है, वो हैं जो दो चूज़े जिन लोगों ने मेरा काम बर्बाद किया सारा, अंडे खा गए, ठीक है, अंडे इनके सारे कबूतर के, वो आप देख रहे होंगे ना, आपको शायद नज़र आ रहा हो, मुझे भी नज़र नहीं आ रही दूर बहुत, वो कोने में देख रहे हैं। वो मैंने न्यू मुर्गी ली है, सील मुर्गी है, वो देखें इसकी वाइट चूँच है, वाइट पाँव है, वाइट आँख है, माशाल्लाह से इसके जो बच्चे होंगे ना वो बहुत ही खूबसूरत बच्चे होंगे इसके। तो बाकी ये सारी मुर्गी अंडे देती हैं, जितनी भी मुर्गी मेरे पास, बाकी खाने पीने का इंतज़ाम वो लगाया हुआ है, बोतल पानी की और साथ खाने का। चलो ये आपको दिखा दिए, तो ये मैंने इनका सेटअप बनाया, ये पूरा देख रहे हैं सेटअप बना हुआ इनका, दरवाज़ा वगैरह लगाया है, पूरा सिस्टम बनाया इनका सही का, क्योंकि ये उस तरफ रहे, नहीं तो ये इस तरफ पूरा गन डाल देते हैं, हर जगह फिर फिर के गन डाल देते हैं। तो बस ये इससे पहले पहले उस जोड़े का निकलेंगे बच्चे, बाकी वो दो जोड़े हैं उनके बाद में लिख लेंगे, ईद के बाद लिख लेंगे, ईद के तीसरे दिन या ईद के बाद निकलेंगे। तो यही थे मेरे पास चीज़ें, बाकी और भी हैं मैं आपको दिखाता हूँ। वो इधर ये एक पैर रहता है दिखाने के लिए आपको, जो एक पैर है, एक ये है कबूतरी, ठीक है, आपने देख ली होगी कबूतरी, ये माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन कबूतरी है, मैंने पकड़ी थी, आप बताइए कौन सी नस्ल की है। माशाल्लाह बोलें, सब चीज़ों को देखें माशाल्लाह बोलें। पूरा कबूतर छुपा हुआ है, वो नज़र आ रहा है आपको, वो भाई सब उधर छुपा हुआ है, जो इसके साथ फेक लगा दी जिसने, ये जगह हमने बंद इसलिए से की थी क्योंकि ये भी आपके सामने अंदर गए हुए हैं, ये अंदर चले जाते हैं बार बार, अंदर जाके फिर गन डालते हैं, फिर उधर से साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए। बस यही है, ये हमारा बाहर का एरिया, ये छत पे हूँ मैं, ये पूरी छत है हमारी माशाल्लाह से, छत बहुत बड़ी है हमारी, हर बंदा यहाँ का कहता है भैया आपकी छत ज़्यादा बड़ी है, आपने चीज़ें रखी हैं, मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं। तो ये बाहर का एरिया, वो सामने नीचे मेरे दोस्त का घर है, ये बाकी हमारे घर के सामने घर है, देख ली होंगी आपने। बस यही चीज़ें हैं मेरे पास अभी तक तो फ़िलहाल, बस ऐसा वो आप देख ही रहे हैं चूज़े, वो जब बड़े होंगे तो देखने वाले होंगे माशाल्लाह से, जल्दी जल्दी से बड़े हो जाओ भाई, हमने गाइस को भी दिखाना है और खुद भी देखना चाहते हैं बड़े हों। इसमें से ना एक जो चूज़ा है ना वो लंगड़ा है, अभी मुर्गी के नीचे मैं दिखा नहीं सकता, वो लंगड़ा हुआ हुआ है बेचारा, जिस टाइम निकला था बच्चा, वो गलती से गिर गया और लंगड़ा है, लंगड़ा नहीं है मतलब हल्का सी टांग लगी, चल लेते हैं इतना नहीं। ये अभी आप पूछेंगे कितने जी कितने दिन के, ये जी 2 या 3 दिन के हैं जितना मुझे अंदाजन याद है, ये मुर्गी इंशाल्लाह वो जो दूसरी मुर्गी लेके आए हैं उसके साथ भी इसका पैर लगवाएंगे, तो आप दुआ करें उसका भी पैर लगे और उसके भी जितने बच्चे हों अंडे हों उसमें से बच्चे ज़रूर दिखने, तो बस उसकी भी दुआ करें, वो जो लक्के में है वो भी सही जल्दी जल्द सही जल्द से जल्द जल्दी सही हो, ठीक है गाइस। बस ये भी जल्दी से जल्दी हो जाए काम,
बस ये देखें कितने खूबसूरत है माशरे से, वो देखें चुराते इनके नहीं जाती, ये देखें ये अम्मा जान पे चढ़ गए अपनी, ये देखें बहुत तेज़ है ये, गर्मी बहुत हुई है इस टाइम गाइस, गर्मी बहुत है, गर्मी मत पूछें। सुबह 6:30 बजे का हूँ ऊपर, कॉलर टाइट हो गई बैठ के। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा मेरे चैनल को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करें तुम्हारे पेट्स देखने के लिए। अगली वीडियो के लिए हाजिर हो जाना प्लीज़, और मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब अभी तक किसी ने किया नहीं है, जल्दी से लाल बटन को दबा दें, आपका कुछ नहीं जाता लाल बटन दबाने से, जल्दी जल्दी से लाल बटन दबा दें, बेचारे बच्चों के लिए दबा दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।